साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युगीन साहित्य। भारतेंदु युगीन साहित्य 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इसी नई चेतना और आधुनिकता से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ, इनका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था। अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में 18वीं शती के उत्तरार्ध से बढ़ गया। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया, जमीन को अपने कब्जे में करके किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया, माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। जहां जहां स्वयं अधिकार नहीं कर सके, देशी नरेशों से समझौता किया और उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण का समर्थन किया। अपनी लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह संग्राम सेना के अफसरों का विद्रोह नहीं था, सामंतों का विद्रोह नहीं था, इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। गैर सैनिक किसानों ने भी इसमें लड़ाई की। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार जारी किया गया था, उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें व्यापारियों से कहा गया है कि अंग्रेजों ने नील, कपड़ा और जहाजों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित किया है, केवल मामूली चीजों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया है, लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई हैं। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर वे भारी टैक्स लगाते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। भारतेंदु को नायिका भेद, नखशिख वर्णन, अलंकार आदि कम आकृष्ट करते हैं। वे देश की दशा पर द्रवित होते हैं, इसलिए उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है। ये नई विषय वस्तु देश प्रेम है, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन आदि बहुत कुछ हैं, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन चित्रण जिस स्वर से करते हैं, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता,
स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे सच्चे अर्थ में करुणावान थे, व्यक्ति नहीं संस्था थे। इसीलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। उन्नीसवीं शती में पूरे देश में नवजागरण की लहर दौड़ गई। इस नवजागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके समानधर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के प्रधानतः तीन लक्षण हैं। पहला, साहित्य अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। दूसरा, इस युग के साहित्यकारों ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं का उद्घाटन किया। और तीसरा, रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का प्रयास करने लगे। इसलिए आधुनिक साहित्य आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य सामाजिक चेतना से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी, जिसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया। जहां पहले जीवन के विविध क्षेत्रों की ओर रचना दृष्टि नहीं जाती थी, वहां जाने लगी। भारतेंदु युग में अनेक नई गद्य विधाओं का भी प्रारंभ हुआ। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचारों का प्रसार हुआ। संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थी। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युगीन साहित्य। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अरुण सिन्हा और राजश्री त्रिवेदी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।